गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि की। वृद्धि हमने दीर्घ संधि पढ़ ली और गुण संधि पढ़ ली, इसके बाद हमारी है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि होती है यदि ए या आपके बाद में, ए या आपके बाद ए ए और ओ औ आए तो क्रम से ए और औ हो जाता है। वैसे मैं आपको एक टेबल के अनुसार इसको समझाती हूँ। इस प्रकार अगर ए आ आए, ए या आ आए, इसके बाद में अगर ए और ए आए तो इनका मिलने से क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और अगर ए आ के बाद में अगर ओ या आउ आए तो क्या हो जाएगी? आउ हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ए एम एच की मात्रा होगी और यहाँ पर आउ औरत की मात्रा होगी। जैसे हम इसकी उदाहरण लेते हैं, जैसे ए प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, ठीक। ए प्लस ए बराबर भी ए हो जाएगा, आ प्लस ए बराबर भी ए हो जाएगा और आ प्लस ए बराबर भी ए हो जाएगा। इस प्रकार हम इसके एक एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक प्लस ए, एक प्लस ए तो ये क्या हो जाएगा? एक एक ए है और ए है तो ये क्या बन गया? अयनक की मात्रा हो गई। तो इसी प्रकार ए प्लस ए से क्या हो जाएगा? परम प्लस एश्वरीय, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परमेश्वरीय, परम ऐश्वर्य से क्या हो जाएगा? परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वरीय, सदा प्लस एव सदैव हो गया। अब आ का ए महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक। इसी प्रकार हम अगर ए या आ का ओ या औ से मेल करेंगे तो औ हो जाएगा। जैसे अब देखते हैं, यहीं पर इसके और उदाहरण देख लेते हैं। ए प्लस ओ बराबर औ, ए प्लस औ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस औ बराबर औ। तो ये देखते हैं, परम प्लस ओज, तो ये क्या बन गया? परमोज, ठीक है। ए की मात्रा है यहाँ पर, यहाँ पर ओ है तो दोनों क्या बन गए? औ की मात्रा धारण कर लिया। वन प्लस औसत, तो वन औसत, आ और ओ से क्या बन गया? महा प्लस ओजस्वी,
माहौल जस्वी महा प्लस ओसर महोत्सव। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर आई हेनक की मात्रा और अवोरथ की मात्रा हो तो उसमें क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। इसके बाद में हमारी है चौथी यण संधि। अब हमारी है यण संधि। अब इसमें देख लो, यदि ई ई यदि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो तथा तथा री का रे हो जाता है, तथा री का रे हो जाता है। अगर भिन्न स्वर आए थे, इसमें दे रखा है ई ई ऊ, पहले ये होने चाहिए, पहले ई ई ऊ री, इन पांच स्वरों में से पहले पांच स्वर आने चाहिए, उसके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई ई का ये हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, रे। और अगर दूसरा जो उसमें अगर उसकी मात्रा है तो वो मात्रा भी इनके साथ लग जाती है, दूसरे स्वर की मात्रा। ठीक है, आप इसमें देखते हैं, जैसे ई प्लस ए बराबर ये, हम इसका लिखते हैं जैसे अति प्लस अधिक, तो ये क्या हुआ, अत्यधिक। अति प्लस अधिक, इसमें छोटी ई की मात्रा है और इसमें ए है, तो अत्यधिक इसकी मात्रा, ये तो हट गया, इसका तो क्या बन गया, ये हो गया। और तय कैसा हो गया भाई, तय के तो ई की मात्रा लग रही इसलिए वो ती बन रहा था, वैसे ती क्या, जो ये व्यंजन है ये तो कैसा है, आधा ही है, तो ये क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे दूसरा ले लो, ऊ की सु प्लस आगत स्वागत। स्वागत कैसे हुआ, सु इसमें ऊ की मात्रा है, प्लस में आ है, तो ये क्या बन गया, वह बन गया, तो स है जो कैसा है, आधा है ही। इसी प्रकार अगर ई ई ऊ री के बाद में एक री का और उदाहरण ले लेते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, तो इसमें क्या आएगा, पित्राज्ञा। इसमें ए है, सॉरी री है, और इसमें
आ है, तो ये क्या बन गया त्रे, तो रे बनता है उसका, तो ये ते है और रे, ते प्लस रे बनकर क्या बनता है त्रे बनता है, ये तो आपको पता होगा ना, ते और रे बनकर क्या बनता है त्रे बनता है। तो इस प्रकार जो ये हमारी यण संधि हो गई कंप्लीट की। अगर आपको एक सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो अगर यह या वह सबसे है, यह या वह से पहले अगर कोई आधा वर्ण होता है, अगर यह या वह से पहले कोई आधा वर्ण होता है तो उसमें हमेशा कौन सी संधि होती है, यण संधि ही होती है। अगर पहचान की अगर आपको पता हो कि ऐसा कोई शब्द दे दे तो जैसे प्रति प्लस एक तो क्या बन गया प्रत्येक, इसमें यह है यह क्या आ गया है, तो इस प्रकार ये भी कौन सी संधि है, यण संधि है। अब इसके आगे हमारी है आयादि संधि, स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी आज हमारी, कल पढ़ेंगे फिर व्यंजन संधि। लास्ट और पांच की संधि हमारी कौन सी है, आयादि संधि। अब इसमें देखो आयादि संधि में क्या होता है, यदि या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यानी कि अलग स्वर होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, इनसे अलावा ए आई ओ औ के अलावा अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ये का आए का आय, ओ का औ, औ का आ हो जाता है। यदि ए या आई या ओ या औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय, आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इस प्रकार हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे ने प्लस अन क्या बन गया नयन, तो इसमें देखो ए आ रहा है प्लस में ए, भिन्न स्वर आ रहे हैं तो इसमें ये क्या बन गया आय बन गया ना, ने प्लस ए का और इसका आय बन गया, तो ए तो इसमें नय में मिल गया और ये है तो क्या बन गया नयन हो गया। इसके बाद जैसे दूसरा देखते हैं ने प्लस अक, तो यहाँ क्या बन गया नायक, इसमें भी ए प्लस ए बराबर क्या बन गया आय बन गया, तो आ की मात्रा तो ना में ने में लग गई और ये यक आ गया, ये हट गया ठीक है, इसमें इसको इसको जोड़ा तो ये क्या बन गया आय बन गया। इसी प्रकार ओ और औ का देखना है, ओ प्लस अन क्या हो गया पवन, तो इसमें ओ है प्लस ए है तो क्या बन गया अव,
बढ़ गया है। ठीक है, इसी प्रकार औ का देखते हैं, औ प्लस अक, तो ये क्या बन गया, पावक। तो इसमें क्या औ की मात्रा है, प्लस में ए है, तो ये क्या बन गया, आव बन गया। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अगर ए आई ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आज हमारे जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गई है, आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। जो व्यंजन संधि है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।